एक मिनट रुक यार, रुक दे, नहीं नहीं एक बट आपका कैमरा नहीं, मैं यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, मैंने मोबाइल में ले लिया। सारा जी, सारा जी मैम, जिस वे सारा हो गया, सारा एक सेकंड टोटल। हाँ हाँ हाँ, वो राकेश भाई हुआ चले? एक पोस्टर के साथ भी ले लेते ना। अच्छा अंदर, अंदर करेंगे मम्मी। शायद मैं भी हूँ। थैंक यू आपको मोना का चले बस हो गया। So I'm feeling thrilled, and I was actually getting goosebumps out there because Shahid is my favorite director, I can say. I worked with him earlier also, one project which is soon coming out, Ishq Wala Love. Usme mera experience inke sath bahut acha raha, and main immediately inki kaam ki fan ban gayi thi. और फिर जब इन्होंने नेक्स्ट मूवी के लिए मुझे अप्रोच किया तब स्क्रिप्ट नहीं थी। अगेन मैं कहा शायद स्क्रिप्ट नहीं है, स्क्रिप्ट कब आ रही है, ना वी आर फॉलोइंग अप, स्क्रिप्ट कब आ रही है, कब आ रही है। ही इज लाइक डोंट वरी, यू ट्रस्ट मी, डोंट वरी। हम गए, पहला सीन आता है व्हाट्सएप पे सुबह डायलॉग्स। आई वाज लाइक दिस वे आर वी शूटिंग, मतलब वो मेरे लिए बहुत नया था ऐसा करना, बट मुझे ये ट्रस्ट था कि ये जो भी बनाएंगे ये कुछ कमाल ही बनाएंगे। सो यस, आई इमीडिएटली जस्ट यू नो सेड इट। आई गेस दिस इज द यूएसपी ऑफ दिस मूवी दैट देयर वाज नथिंग, नॉट अ स्क्रिप्ट, नथिंग, यू नो, नथिंग वाज रिटन, दैट वाज वेरी इम्प्रॉम्प्टु, एज यू जस्ट टोल्ड अस राइट नाउ, लाइक यू गाइस टोल्ड अस। सो आई गेस दिस विल मेक द मूवी। ही यूज्ड टू क्रिएट सीन्स एट नाइट इन हिज माइंड एंड टेल अस इन द मॉर्निंग, बट देन इफ दिस इज द आउटपुट देन इट्स ग्रेट आई गेस, बिकॉज़ या माइट करेंगे बाद में। माइक ये है कि हमारा भी एक्सपीरियंस अच्छा लगा था, थैंक यू। मेरी आदि से ज्यादा टीम जैसे इंग्लिश खराब बोलती, वैसे मैं भी खराब बोलता हूं, इसलिए हिंदी में बोलेंगे। अच्छा, बट थैंक यू सो मच आने के लिए। आइडिया बेसिकली हमारे, हाँ, हमारे जान पहचान में कुछ लोग जो हमारी फिल्म्स वगैरह सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उन्होंने ऐसे एक बार ऐसे बैठे हुआ ना, वो पीओ में बहुत बताए जा रहे थे अपनी कहानी। वो बता रहे थे कि अर्ली 2000 में कैसे पायरेसी कैसे होती थी, और वो पायरेसी का आइडिया इतना अच्छा लगा, तो मुझे लगा यार उसको एग्जीक्यूट तो करना है, बट उसको भी अपने जम्मू कश्मीर के अंदर ऐड करके कैसे किया जाए। फिर मेरे हमारे साथ एक और सुरजीत चौधरी जो हमारे प्रोड्यूसर रहे हैं पहले, उनसे मैंने बोला कि आप अपने बचपन का कुछ बताओ, क्योंकि उनका बचपन 80s 90s के आसपास का रहा हो। तो उन्होंने बोला कि हम बॉर्डर के उस पार जाते थे और हम फ्रूट्स एक्सचेंज करते थे, उस टाइम इतना स्ट्रिक्ट नहीं था बॉर्डर, हम एक साथ एक नदी में नहाते थे। और तो मेरे माइंड में वो आइडिया आ गया कि वो जो उस पार जाने का जो प्यार था फ्रूट्स एक्सचेंज करना, वही व्यापार बन जाता है। वो बड़े होके वही कैसेट्स लेकर जाना और कैसेट्स एक्सचेंज करना, एंड देन फिर वो बिजनेस बन जाता है, कैसे फिल्म पायरेसी स्टार्ट होती है,
जो वो सारी डिटेलिंग फिल्म के अंदर है, तो वो वहाँ से आइडिया आया और हम स्क्रिप्ट नहीं थी तो सबने ट्रस्ट किया, थैंक यू सो मच। सारा ने मुझे पूछा था कि स्क्रिप्ट, तो मैंने कहा था स्क्रिप्ट है ही नहीं है तो बस आ पाओ, और हम खुद कंफ्यूज थे। पौने चार घंटे की फिल्म बनी फाइनली, जिसको हमने काट के तीन घंटे किया। तो और एक्शन इस फिल्म में बहुत कमाल का शॉट भी ये करवाया है, मतलब कैरेक्टर का मोटिवेशन ये था कि गरीब जम्मू का एक, मतलब जम्मू कश्मीर, सबको कश्मीर ज्यादा पता है, तो जम्मू बहुत ज्यादा पंजाब है बेसिकली, तो पंजाब जैसा है कल्चर वहाँ पे, और वो गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, तो इसको काला करने में बहुत मेहनत लगी। उस एरिया में हमें वैसा मेकअप ही नहीं मिल रहा था, तो हम शूट तो कर लिया, फिर लगा यार माँ से ज्यादा बेटा काला लग रहा है, तो बाप कहाँ से ढूंढे वैसे। फिर फाइनली वो सीन्स रीशूट हुए मुंबई से, फिर मंगवाया गया सब कुछ, हमारे लिए वहाँ बड़ा मुश्किल था, वहाँ पे मतलब बहुत लंबा ट्रैवल था, यहाँ से आप बायर जाते हो फिर पूरा दिन एक ट्रैवल करते हो, तो थैंक यू। मैडम यस थैंक यू सेंटर लो मैम यहाँ पे लेफ्ट में कौन है इधर? छूट पे था यार, सीधा फिल्म की सीधा का दो भाग के आया मैं गांव से सीधा तो ज्यादा दूर नहीं सर, एक साथ में पीछे कर जी जी मैंने जल्दी हेलो 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 हाँ मारो ना मारो लाइट बंद करो लाइट बंद करो एक मिनट बहुत लाइट भाई विजुअल ले ले हाँ ले रहा हूँ अरे नहीं सब है वो सारे बूम लेना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग ब्लेस्ड कि ये ट्रेलर इतना अच्छा बनकर बाहर आया है और मूवी भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड साथ ही पलकों की छाव में का शूट भी चल रहा था और ये ट्रेलर लॉन्च था, मुझे ऐसा लग रहा था कि यू नो मैं लेट ना हो जाऊं कहीं। एंड खैर थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग ओवर हियर, क्योंकि अभी आप लोगों ने वेट करवाया है। What was the character that made you decide to do this film despite your busy schedule with people?
यस, मैं हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ और मैं चाहती हूँ कुछ हमेशा नया करूँ, और जहाँ परफॉर्मेंस करने को मिलता है, कुछ नया करने को मिलता है, आई जस्ट रन देयर एंड आई जस्ट पिक इट अप. एंड शाहिद इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर. जब उन्होंने मुझे थोड़ा सा नरेशन दिया था इस फिल्म का तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, और उसके बाद बस मैंने उन पर ट्रस्ट किया था, और आप देख रहे हैं आउटकम. सो एक दिन लगता था यहाँ से कश्मीर, जहाँ हम शूट कर रहे थे बदरवा में, हम लोगों को बहुत टाइम लग जाता था क्योंकि पूरा जो रास्ता है वो बहुत ही मतलब नैरो सा है और ऊपर है. सो वो एक अलग एक्सपीरियंस था ट्रैवलिंग का, साथ ही साथ एडजस्टमेंट्स डेली सोप के साथ करना, वो भी एक बड़ा टास्क होता है कि हमारे प्रोड्यूसर्स को और ईपीज को कन्वेंस करना होता है, बट दे प्ले अ रियली गुड एंड इम्पॉर्टेंट रोल ओवर देयर, सो दे मैनेज समहाउ. एंड मैं उस टाइम पे स्पाई बहू कर रही थी, सो दीज पीपल वर वंडरफुल एंड इन्होंने बहुत मैनेज किया एंड आई कुड डू दिस फिल्म. यस, so Shantanu is in Delhi, he is flying, Captain Sean is flying right now, so ठीक है, अभी वो हवाओं में उड़ रहे हैं, जल्दी से हम मिलेंगे. आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं उन्हें ये ट्रेलर दिखाऊँ और उनके भी रिव्यूज़ पूछूँ कि वो क्या सोचते हैं इस फिल्म के बारे में. इतने सारे मेमोरेबल मोमेंट्स थे, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा अमेजिंग तो ये होता था कि जब शाहिद रात को सीन अपने दिमाग में लिखते थे और सुबह हमको भेजते थे, और पता नहीं वो मतलब ये एक बहुत बड़ा टैलेंट है, उसी टाइम वॉइस नोट पे पूरा सीन पूरा इमेजिनेशन के साथ हमको बताते थे, और एक ही बार में समझ में आ जाता था कि ओके ये बोलना है, ये करना है, ये एक्सप्रेस करना है, ये सीन में सब कुछ है. सो ये एक ऐसी मेमोरी है जो मैं कभी भूल ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने कभी किसी ऐसे डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया जो इतने मतलब अलग तरीके से अपने एक्टर से काम करवाते हैं. सो मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ पे. फिर वहाँ का जो माहौल है कश्मीर का, एज एवरीवन नोज कि वो जन्नत है हमारे देश की, सो वहाँ जब जाओ तो वहाँ एक अलग ही फील होता है, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम बहुत हेक्टिक काम कर रहे हैं. इतने बड़े बड़े और इतने पावरफुल सीन्स हैं उसमें, जिसमें फाइट्स हैं, आग लगी हुई है, पता नहीं क्या क्या, और वो सब कुछ इतने ईज के साथ शाहिद ने किया है. एंड ये सारी बहुत सारी मेमोरीज हैं जो कभी मैं भुला नहीं पाऊँगी. इश्क वाला लव इज़ आर नेक्स्ट फिल्म, जो हमारी एक्चुअली पहली फिल्म है जिसके साथ मैं उनकी फ़ैन हुई थी शाहिद की, तो वो जो फिल्म है वो बहुत जल्दी रिलीज़ होगी, वो बहुत अच्छी बनी है, वो मेरी फेवरेट फिल्म है, और ये भी है, मतलब ऐसा मत सोचिएगा ये कोई कम है, लेकिन वो जो है वो उसमें इश्क वाला प्यार है, तो जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बहुत फील गुड होगा उसको देख के. सो पलकों की छाव में 2 इज गोइंग ऑन एंड उसमें बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स आ रहे हैं. सो ये सीक्वल बना रहे हैं वो पलकों की छाव में 1 का. सो इतने ज़्यादा मतलब स्टोरी में अभी सेम ही चल रहा है. सो आई होप कि कुछ नया आए एंड सून समथिंग न्यू इज कमिंग अप. सो आप देखते रहिए दंगल टीवी पे पलकों की छाव. ये कहूँगी यार वो खान, किंग खान है, उनकी फिल्म आई है, मतलब हर किसी को देखने के लिए उनको तरस रहे होते हैं सब लोग, और उनकी फिल्म आई है और कमाल की है, क्या डायलॉग्स है उसमें, मुझे बहुत आई एम रियली एक्साइटेड. मैंने अभी तक देखी नहीं है लेकिन मुझे देखना है वो फिल्म. थैंक यू एवरीवन.